ये समय लूंगा आपका जितना समय आप हमें देंगे पूरी रात ये स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है हम तो बैठ सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं रात भर कविता सुनाऊंगा लेकिन शर्त यह है कि सवेरे मुझे पहुंचाएगा कौन लेकिन ये बहुत अच्छा आपका कविता के प्रति प्रेम है और आप लोगों ने वास्तव में ये सिद्ध कर दिया जब शुरू में ऐसा लग रहा था जब संगीता जी ने बोलना शुरू किया तो अंग्रेजी में बोलना शुरू किया जब मैं यहाँ आया तो हम लोग आपस में जब बात कर रहे थे तो अंग्रेजी में बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ी सी घबराहट थी कि पता नहीं ये लोग हिंदी समझेंगे कि भी नहीं समझेंगे ये थी घबराहट लेकिन मैं ये जानता हूँ आदमी चाहे जितना मेकअप कर ले रहेगा ओरिजिनल ही थोड़ी सी इतने बड़े बुके से सम्मानित किया गया बड़ा सुंदर खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता दिया गया है अभी एक जगह बिल्कुल सत्य घटना है भगवान का तो सत्य घटना है झूठ मैं बोलता नहीं मैं आपको पता ही नहीं बताएंगे हो गया जी आंटी आप खाना खा के आ जाइए तो ये तो बहुत अच्छे फूलों से हमें सम्मानित किया गया बड़ा खूबसूरत फूल है सबसे पहले सोनरूपा जी को सम्मानित किया गया मैं जानता था कि पहले उन्हीं को सम्मानित किया गया ये जब से मैं इनके साथ आया तब से मैं डिमोरलाइज चल रहा हूँ हालांकि मैं इनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन फिर भी अब हम क्या करें तो अभी वहाँ पे मुरादाबाद में एक संस्था ने कवि सम्मेलन का महान कंजूस संस्था बड़ी कंजूस संस्था बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको हंसते हंसते बुरा हाल हो जाएगा बड़ी कंजूस संस्था हम तीनों कवि वहाँ आमंत्रित थे तो जो संचालक थे उन्होंने संचालन किया बोले कि अब मैं चाहता हूँ कि कवियों का सम्मान हो और मैं संस्था के अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और गौरव शर्मा जी को फूल दे करके सम्मानित करें तो एक फूल लेकर के वो संस्था के अध्यक्ष गए और गौरव शर्मा को फूल दिया उन्होंने फिर संचालक आगे बोला ये फूल गौरव शर्मा जैसे हास्य के राजकुमार के हाथ में पहुंच चुका है ये फूल बहुत महान हो चुका है हम निवेदन करेंगे कि अब गौरव शर्मा जी इसी फूल से सोनरूपा विशाल का सम्मान करें तो गौरव शर्मा जी ने अब संचालक आगे बोला कि चूंकि हास्य और जीत के हाथ में ये फूल पहुंच चुका है इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि सोनरूपा जी इस फूल से सर्वेश अस्थाना का सम्मान करें हमको दिया गया यहाँ तक तो सब ठीक था उसके बाद संचालक बोला कि ये फूल इतना महान हो चुका है कि हम इसको संजो कर रखना चाहते हैं इसलिए मैं सर्वेश जी से निवेदन करूंगा कि ये फूल संस्था के अध्यक्ष को वापस भेज दें इन्होंने एक ख्वाब देखा कि ख्वाब ऐसा जिसमें ये हो वो जब ये प्रेम की गीत पढ़ रहे थे तो गौरव ने उसने कहा सरवेश जी आप ख्वाब देखते हैं क्या हमें क्यों नहीं देखते अब हास्य कवि क्या ख्वाब देखता है चार दिन की आंख के सामने रखता मतलब आप खुलिएगा धीरे धीरे तो थोड़ा सा हाथ फिर बहेंगे हास्य कवि का ख्वाब मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए मैं अक्सर सोचता हूँ हास्य कवि प्रेम की बात कैसे करेगा पर उसी तरह से सुनेगा जैसे सुना जाता है मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए इतनी कमजोर बात तो पहले अच्छी थी मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं हाँ अगली पंक्ति उठा दीजिएगा सर मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो तभी टायर वहीं पर लाद दो आज जो है ये संस्कृत में सरस्वती वंदना में मुझे एक सम्मेलन याद आया मैं लखनऊ के पास हरदोई जिले का हूँ हरदोई